এই যে মহারাজ জি, ইনি এখানের ডিপার্টমেন্টে। উই আর গোয়িং টু যাত্রীনিবাস, যাত্রীনিবাস অন দ্য আপস্টেয়ার। আমরা এখানে যাত্রীনিবাসে যাচ্ছি, যাত্রীনিবাসে থাকার ব্যবস্থা আছে, কীভাবে কী করতে লাগবে আমরা এখানে। গোয়িং টু আপস্টেয়ার্স, প্রথমে উপরটা সেরে নিই, তারপরে এই যে হোটেলটা দেখা যায়। এই যে এখানে লিস্ট দেওয়া আছে কি কি পালন করতে লাগবে না লাগবে। আপনারা পজ করে, ইউ ক্যান পজ অ্যান্ড রিড ইট কেয়ারফুলি হোয়াট আর দ্য রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনস আর দিয়ার। দিস ইজ নো স্মোকিং জোন। यहाँ पे रूम कैसे होता है एक रूम दिखाना है, जैसे कि एक एग्जांपल। सब रूम तो दिखा नहीं पाएंगे, जैसे कि एक रूम दिखाने से आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे है यहाँ पर रूम। ये थ्री सीटेड बेड है, थ्री सीटेड बेड। ये ग्लास, ये टेबल, चेयर, ये सब मिलेगा आपको एक रूम में। जैसे कि बाथरूम कैसे होता है ये भी दिखा दे रहे हैं। ये आपको फैसिलिटी मिलेगा, बेसिन वगैरह है। और ये कोई आया है, मैं एक झलक से दिखा दे रहा हूँ आपको कैसे क्या। फैन वगैरह है, ड्रेसिंग मिरर एंड एवरीथिंग। थैंक यू। ऐसे काफ़ी सारे रूम हैं यहाँ पे, आप तो लास्ट। सब रूम तो मैं दिखा नहीं पाऊँगा, कोई भी एक रूम मैंने दिखा दिया। यहाँ भी पानी वानी धोने का भी व्यवस्था है, वॉशिंग एंड शू रखने की जगह है। और ये कॉरिडोर में काफ़ी सारे रूम हैं, जैसे कि कहीं भी आप जा सकते हैं। नंदिनी अच्छा लग रहा है ना, बढ़िया। बिल्कुल, हम लोग हमेशा कभी भी जाते तो वार्षिक आश्रम संघ में रुकते, जैसे कि ये लोग आ गए आप लोग देख पाएंगे। ये देखिए स्वामी जी का, यहाँ पे भी एक रूम खाली है। दूसरा भी एक रूम आपको दिखा दे रहा हूँ, सिमिलर टाइप का ही है, ये थोड़ा सा बड़ा है उससे। ड्रेसिंग मिरर वगैरह है, रूम काफ़ी बड़ा ही है। मैं कितना दिखा पा रहा हूँ आप लोगों को मालूम नहीं। थ्री सीटेड बेड, थ्री सीटेड ट्रिपल सीटेड बेड। जिसके बाद सुन तो आपको दिखाई दिया, पहले भी दिखाया।
ये भी वैसा ही है, ये तो आर्ट स्टाइलिस्ट है, आर्ट फैशनेबल। कोमोड लगा हुआ है, जिसको कोमोड चाहिए उसको कोमोड, जिसको नॉर्मल चाहिए उसको नॉर्मल। लाइटिंग वगैरह भी है एकदम वेल, टाइल्स एंड फिनिशिंग, ऑल द फिनिशिंग्स। बहुत सारे सब्सक्राइबर ने हमको पूछा कि कैसे रहने की कैसी व्यवस्था है, कैसी व्यवस्था है। मैंने आज यात्री निवास का पूरा रिकॉर्डिंग कर दिया ताकि आप लोग कभी भी बुक कर सकेंगे, कभी भी आ सकेंगे। बाथरूम का दरवाजा बंद कर दीजिए। ये स्वामी जी, स्वामी जी अंदर से दिखाई दे रहे। यहाँ देखिए आप, ये जो पेट्रोल पंप, पेट्रोल पंप के बगल में वहाँ 5-स्टार होटल दिख रहा है। ये ब्लॉगर नंदिनी, ये तो मैंने दिखाया आपको क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस है, फिर एक बार दिखा दे रहा हूँ। ये डस्टबिन वगैरह है, यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट है। और ऊपर है क्या कुछ मैम? ऊपर इज देयर एनीथिंग? दिस आई थिंक दैट टॉप फ्लोर, छत पे जाने का रास्ता। एक फ्लोर ये मिला और इसके सेकंड फ्लोर और एक मिला, तो आप समझ जाइए मैंने एक रूम का भी दिखाया। दूसरा रूम ये, ये नंबर पे फ़ोन करके आप लोग भारत श्रीवास्तव संघ में रूम बुक कर सकते हैं। ये फ्लोर भी यात्री निवास है, शू रखने का जगह है, ये तो मैं दिखा ही चुका हूँ। एक फ्लोर दिखा दिया उसी टाइप का, ये भी है हाँ, ये भी है अंदर जाके पूरा। ये किचन वगैरह है, यहाँ पे धोना वोना सब, यहाँ पे एक्सरसाइज का भी है। एक्सरसाइज का भी है, यहाँ पे पीने का पानी का व्यवस्था है।